हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो यार काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास कौन सा सिस्टम है और मैं अपनी वीडियोस एडिट करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ। तो आज फाइनली इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा सेटअप दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक 3D जर्नलिस्ट हूँ। सो बेसिकली मेरा काम गेम्स के लिए 3D एसेट्स जैसे वेपन, कैरेक्टर और जो भी इन्वायरमेंट्स होते हैं गेम के, वो सब बनाना है। मेरा एक स्टार्टअप है आइसोलेटेड लैब, जहाँ हम लोग गेम डिज़ाइन और एनिमेशन के काम करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, वीडियो में दिखाई गई सारी चीज़ें मैंने अपने पैसों से ली है। तो इससे पहले कि आप कॉमेंट्स में ये बोलना शुरू कर दें कि ये लौंडा तो घर वालों के पैसे उड़ा रहा है, आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा खुद का स्टार्टअप है और वीडियो में दिखाई गई चीज़ों में किसी भी और इंसान का कोई हाथ नहीं है। और हाँ, मैं अकेले रहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे पीसी से। तो ये है मेरा वर्क स्टेशन जिस पर मैं अपने 3D के प्रोजेक्ट्स करता हूँ। ये कोई बहुत बड़ा 1 बिलियन धीरम वाला सेटअप नहीं है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है i5 8th Gen और इसमें 16 GB रैम है और 2 GB का NVIDIA GeForce 750 Ti ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। इसके साथ ही मेरे पास एक और CPU है सेम कॉन्फ़िगरेशन का, जिस पर मैं सिर्फ अपनी रेंडरिंग करता हूँ एनिमेशन वीडियोस की। यहाँ वॉल्स पे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, इससे थोड़ी फील आ जाती है काम करने में। और ये है मेरा रिसर्च वाला एरिया, जहाँ मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखना, नए कॉन्सेप्ट सोचना और मतलब ऐसे काम करता हूँ। अब इसके बाद थोड़ा सा सिटिंग एरिया है और सामने मेरा पुराना कैरम बोर्ड लगा हुआ है, जिसे 100 साल पहले हम 4 लोगों ने मिल के लिया था। अब ये दरवाज़ा है जन्नत का, तो आइए एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है मेरा नया हेडफोन। ये अभी कल ही डिलीवर हुआ है। मैं अभी अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग इसी से कर रहा हूँ। और ये है मेरा गेमिंग लैपटॉप Acer Nitro 5। ये काफ़ी तगड़ा लैपटॉप है और मैं अपनी लाइव स्ट्रीम इसी से करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इस पर लड़की की फ़ोटो लगी हुई है मोटिवेशन के लिए। और आजकल मैं अपने प्रोजेक्ट्स भी इसी पर करता हूँ क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी है और AC अंदर ही लगा हुआ है। ये है मेरा MKET का वायरलेस माउस, जिसकी बैटरी हर हफ्ते बदलनी पड़ती है। तो चलो अब हम आ जाते हैं बेड पर। तो ये है मेरा चिक मैग्नेट, सेक्सी सा बेड। इस पर चांद तारे बने हुए हैं क्योंकि मुझे सपने देखना बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही रखा हुआ है मेरा बीन बैग, जिस पर बैठकर या लेटकर बोलना ज़्यादा सही रहेगा। तो इस पर लेटकर मैं अपने PS4 पे गेम्स खेलता हूँ। वो ऊपर देखो खोपड़ी पर ही AC लगा हुआ है। और राइट साइड की वॉल पर सारे एवेंजर्स लटके हुए हैं। मैं मार्वल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बिल्कुल डायलॉग टू डायलॉग याद रखने वाला। और यहाँ एक और टेबल है जिस पर अभी PS4 का बॉक्स रखा हुआ है। नया लिया है अभी, तो स्टोर रूम में जाने में थोड़ा टाइम है इसको। अब हम आ जाते हैं मेरे फेवरेट एरिया पे। तो यहाँ पर है मेरा 40 इंच का Sony Bravia और साथ में PlayStation और एक काउच रखा हुआ है बेरोजगारों को सहारा देने, बैठने के लिए। अब थोड़ा पास चलते हैं। तो ये कुछ गेम्स की CD और मेरा PS4 Slim। ये है मेरा DualShock 4 वायरलेस कंट्रोलर और साथ में फायर स्टिक का रिमोट। फायर स्टिक मैंने टीवी के साथ ही लिया था, बट अब इसका कोई यूज़ नहीं है, तो हो सकता है मैं आगे इसका गिव अवे कर दूं। इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो एक 360 राउंड मारते हैं और आपको दिखाता हूँ एक खुफिया जगह। तो देखो, ये जो पर्दे लगे हुए हैं, इसके पीछे मैं बहुत जल्द अपना म्यूज़िक स्टूडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं अपनी सॉन्ग रिकॉर्डिंग्स करूँगा। तो इसके लिए मुझे अभी माइक सेटअप, अकोस्टिक पैनल्स, लाइट, कैमरा और काफ़ी चीज़ें लेनी है। तो जैसे ही इसका सेटअप हो जाएगा, मैं आपको इसका भी एक टूर दूंगा। तो जो लोग सोच रहे हो कि गेमिंग टूर में म्यूज़िक सेटअप का क्या काम, तो देखो भाई, तुम्हारा ओवर क्वालिफाइड है। गेमिंग के साथ साथ मैं गाने भी गाता हूँ। तो अगर मेरे गाने सुनने हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाओ। मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल पब्लिक कर दी है अब, तो वहाँ जाके गाने सुनो। फॉलो करना हो तो कर लो, ना करना हो तो मत करो। मुझे क्या, माता रानी तुम लोगों को ही पाप लगाएंगी। सो गाइस, ये था मेरा सेटअप और मैंने ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके लिए हैं। और अभी तो आगे और बहुत कुछ लेना बाकी है। तो यार मेहनत करते रहो, क्रेडिट कार्ड के बिल भरते रहो, फिर तुम लोग भी सब कुछ ले सकते हो, ठीक है। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी गेमिंग गाइस।